बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 5 फॉर अ क्लास 5 ऑफ अ सब्जेक्ट ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। हम यूनिट नंबर 18 को स्टडी कर रहे थे। नाउ वी विल रीड पेज नंबर 97। यूनिट नंबर 18, लेसन नंबर 5, राइटिंग। आपका फर्स्ट अब यहाँ पे स्टेप आ रहा है, रीड एंड चूज। हाउसेज हैव बिकम टालर, बिगर एंड डर्टियर। अब वो कह रहे हैं कि हाउसेस क्या हुए, बड़े हुए। बिगर का मतलब भी बड़े होना होता है और डर्टियर का क्या मतलब होता है, गंदे। तो अब इसमें आप लोगों ने पढ़ना है, तो वैसे इसका आंसर इसमें टॉलर का बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो रीडिंग यहाँ पे कंप्रीहेंशन कर रहे हैं उसमें टॉलर का बता रहे हैं, क्योंकि आजकल की बिल्डिंग्स बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट। हाउसेस, घर। द होम्स ऑफ अवर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स वर लोअर देन लो। वो कह रहे हैं जो पहले वक्तों के घर थे या अबाउदाद के जो घर थे वो बहुत गरीब हालत में थे। ठीक है, बहुत उनके जो है एंसेस्टर्स क्या कहते हैं कि बहुत कम और बहुत या छोटे थे घर, बहुत ज़्यादा छोटे आप कह सकते हैं। दे हैड नो विंडोज, उनकी कोई खिड़कियाँ नहीं होती थी। दे हैड नो डोर्स, उनके कोई डोर्स नहीं होते थे, दरवाजे नहीं होते थे। इफ़ यू विश टू गो इन, अगर आपने अंदर जाना होता था, यू वेंट ऑन ऑल फोर्स, तो आप चारों तरफ से किसी भी तरह अंदर जा सकते थे। द डर्ट और द डस्ट, डर्ट ठीक है, और द डस्ट जो आपके धुआं या आपकी जो डस्ट होती है धूल, और द स्नो वॉज द फ्लोर, तो क्या होता था कि ज़मीन के ऊपर पड़ती थी। इट वॉज हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर बिफोर, लेकिन ये कब की बात है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर, बहुत सालों की या सदियों की बात है। मैन लिव्ड इन हाउसेज, आदमी कहाँ रहते थे, घरों में रहते थे। विद विंडोज़ एंड डोर्स, क्या था, जिसकी विंडोज़ और डोर्स हुई। ये देखिए यहाँ पे जो अर्ली एंसेस्टर्स में अगर आपको एक ज़माना बता दिया जाए इस प्रेजेंट ज़माने के अंदर, ये वो है कि जब घर की तमीरात भी नहीं हुआ करती थी, कि जिसमें कोई विंडो कोई डोर नहीं होता था, और क्या होता था कि हर तरफ से हम लोगों का इन और एग्ज़िट हो जाता था, एंट्रेंस भी होती थी और एग्ज़िट पार्ट भी होता था, और उसके ऊपर क्या कहते हैं कि जो भी धूल मिट्टी होता था और स्नो होती थी वो ज़मीन के ऊपर पड़ती थी। ठीक है, ये एंशियंट जो पहले वक्तों की बात है, ये तब की है। आप उसके बाद वो क्या कहते हैं कि आखिर में, अब ये कुछ सदियों पहले की बात है कि आदमी ने क्या कहते हैं लिव्ड इन हाउसेज, घरों में रहते थे। विद विंडोज एंड डोर, तो क्या हुए कि जब उनकी विंडोज भी बनी एंड डोर्स हुए। एंड ले डाउन एट बेड्स, जब क्या होता था बेड के ऊपर सोते थे। एंड सेट अप इन द चेयर्स, तो क्या था कि चेयर्स के ऊपर बैठते थे। एंड सेट डाउन एट अ टेबल, और क्या था कि टेबल के साथ बैठते थे। और वॉकड अपस्टेयर्स, और सीढ़ियों पर जाने के लिए, मतलब आप ऊपर जाने के लिए या ऊपर अपस्टेयर्स जाया करते थे। देन एज टाइम गो, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इट वॉज नो टाइम एट ऑल, तो फिर क्या हुआ, वक्त नहीं रहे। बिफोर हाउसेज वर बिल्ड सो एक्सीडिंगली टॉल, तो क्या हुआ कि घर जो हैं बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे घर तामीर होने शुरू हो गए। दे हैड हंड्रेड्स ऑफ विंडोज़, उनकी कितनी थी, 100 से भी ज़्यादा विंडोज़ होती थी। एंड ओनली वन डोर, उनका सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता था। एंड यू हैड टू गो अप इन एन एलिवेटर, और आप एलिवेटर के ज़रिए ऊपर जाया करते थे। एंड नाउ दे हैव ग्रोन सो गगनली हाय, तो क्या था ये अजीम शान, ठीक है, एक इसमें वो कहते हैं कि इतना बड़ा ये होता था कि आप उस पर चढ़ सकते थे। दिनाश द न्यू मून, ये क्या था कि ये न्यू मून, ये ऐसे लगता था जैसे न्यू मून को टच कर लिए हैं। डिस्क्राइब द ब्लू स्काई, और क्या कह रही है, स्क्रैप में वैसे खुरचन होती है, लेकिन ये डिसकम्फर्ट, ये आप नहीं, ये इतनी हायर या इतनी टॉलर होती थी कि ये नीले आसमान को भी जो है ना डिसकम्फर्ट करती थी। एंड टुडे वी लिव लाइक बीज इन अ हाइव, और आज के वक्तों में हम बीज की तरह, बीज जैसे छत्ते में रहते हैं, बीज जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उनकी तरह हम लोग हाइव में रह रहे हैं, इन द टॉलेस्ट सिटी, बड़े बड़े शहरों में। दैट मिस्टर मैन हैज़ बिल्ड ऑन हिज अर्थ सिंस द वर्ल्ड बिगेन, तो इस मिस्टर मैन ने क्या किया है कि ज़मीन के ऊपर बहुत बड़ी दुनिया तामीर, मतलब कि पूरी दुनिया में जो है ना, सिंस द वर्ल्ड बिगन, जैसे ही वर्ल्ड जो है स्टार्ट हुआ, दुनिया स्टार्ट हुई, तो उसने ज़मीन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बना लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट हेयर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द वर्ड्स फॉर द पार्ट ऑफ हाउसेज। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो हाउसेज के पार्ट होते हैं वो आपने सर्कल करने हैं। अंडरलाइन द वर्ड फॉर द फर्नीचर, जैसे कि अभी उन्होंने यहाँ पे किया है, प्रीवियस स्लाइड में देखें,
विंडोज, डोर्स, फ्लोर, हाउसेस, विंडो, डोर, बेड, चेयर, टेबल, अपस्टेयर, हाउसेस, विंडो, डोर, एलिवेटर, ठीक है। ये सारे के सारे अब आपके पास क्या है, एक घर के पार्ट्स हैं। तो अब आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, सर्कल कर लें ऑन योर बुक। देन योर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वर्ड्स और द फ्रेजेस इन द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि अब इनके आपने जो मीनिंग्स हैं वो आपने, या फ्रेजेस जो वर्ड्स हैं वो आपने लिखने हैं। या आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर नीट रजिस्टर्स पर होना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगो, पहले के जो लोग थे या फैमिली मेम्बर्स थे जो प्रीवियस थे उनको क्या बोलते हैं, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स क्या होते हैं, अबाउ अजदाद। नो वंस हैंड एंड फीट, क्या मतलब कि हाथ और पाँव का क्या है, तो ऑन ऑल फोर्स, या मतलब कि इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ऑन ऑल फोर्स, चारों तरफ से। सून आफ्टर वर्ड्स नो टाइम एट ऑल, तो इसका क्या मतलब हुआ, नो टाइम एट ऑल। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब है एक्सीडिंगली, इंतहाई तेज़ी से बढ़ना, एक्सीड कर देना, सबकत ले जाना। अ लिफ्ट दैट टेक्स यू टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक लिफ्ट होती है जो आपको बिल्डिंग से टॉप की तरफ लेके जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एलिवेटर। एज टेल एज अ ग्यांट, तो इसको क्या बोलते हैं कि इतना बड़ा जितना ग्यांट, वैसे आपके पास ना अजीम शान भी कहा जाता है, लेकिन एक दियो की माने बड़ा होना, ठीक है, जो दियो जैसे बड़ा इस तरह से बोला जाता है ना, तो वो ग्यांट के लिए बोला जाता है उसको। टच जेंटल, तो उसको क्या बोलते हैं, नज। मेक अ स्क्रैच ऑन, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नज को ये बिल्कुल कैसे बोलते हैं, कि टच जेंटली, बिल्कुल स्मूथली टच करना। एंड मेक अ स्क्रैच ऑन, या खुरचना क्या होता है, स्क्रैप। अ वुडन बॉक्स देयर बीज लिव, बीज कहाँ रहती हैं, एक वुडन बॉक्स के अंदर। एंड मेक हनी, और क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइव। क्या बोलते हैं उसको, हाइव। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने अपनी रजिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट करने हैं, मार्जिन लाइंस के साथ प्रॉपर उस पर हेडिंग्स दे के, यूनिट नंबर 18 लेसन नंबर 5 की। और उसके बाद मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, और नीटली अपना काम स्कूल में सबमिट करवाएं। टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।